अच्छा सर, मेरा इसी को मुतालिक एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे नमाज में, जैसे शिया और सुन्नी की नमाज में फर्क कहाँ से पैदा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो नमाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी उनकी इब्तिदा में, मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी वही नमाज पढ़ी होगी, वही नमाज पहले दूसरे तीसरे खुलफा ने पढ़ी होगी, और जो दुश्मन इस्लाम थे जो माविया यजीद सब ने भी वही सब नमाज पढ़ी है, तो ये नमाज में फर्क कहाँ से पैदा होगा? जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये किताब है तफहीम अल-बुखारी मा अरबी मतन मा उर्दू शरह सही बुखारी की, तर्जुमा व शरह मौली ज़हूर अल-बारी अल-आज़मी फाज़िल दारुल उलूम देवबंद चाप दारुल इशाअत। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए, सफ़ा नंबर 329 में यह हदीस है। अच्छा, मैंने उम्मे दर्दा से सुना, आपने फरमाया कि एक मरतबा अबू दर्दा एक सहाबिया आए, बड़े गजबनाक हो रहे थे। मैंने पूछा कि क्या बात हुई? फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की कोई बात अब नहीं पाता सिवा इसके कि जमात के साथ नमाज ये पढ़ लेते हैं, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की कोई बात अब मैं नहीं पाता सिवाय ये कि मुसलमान। ये कब की बात है? सहाबा के जमाने की बात है। अच्छा, यह किताब है सही बुखारी तैसीर उल बारी, तर्जमा उशार सही बुखारी, वही जमा साहब की तालीफ है। ठीक है, इस किताब में मैं आपको लेके चलता हूं, सफा नंबर है ये 421 में, उसमें तर्जमा जो है ये उम्मे दर्दा से रिवायत है कि वो कहती थी कि अबू दर्दा सहाबी मेरे पास आए और वो गुस्से में थे। मैंने पूछा क्यों गुस्से में है? उन्होंने कहा खुदा की कसम, कसम खुदा की मैं देखता हूँ आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त का कोई काम बाकी नहीं रहा, बस ये रह गया कि लोग मिलकर नमाज पढ़ लेते हैं उनके सब कुछ। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ एक और, अच्छा इस हदीस की शरह में ये फतहुल बारी बिशरह सही बुखारी हाफिज इब्न हजर की जुज नंबर 2 चाप दारुल मारिफा, इसी हदीस को नकल करने के बाद हदीस नंबर 605 वही अबू दर्दा वाली हदीस, उसके बाद वो कहते हैं कि मुराद अबू दर्दा अन आमाल अल मذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير الا التجميع في الصلاه, उस उम्मत वालों के सब आमाल में नक्स और तगीर नुकसान और चेंजेस आए थे, मगर ये कि नमाज जमात होती है बस, बाकी सब अमाल इनके चेंज हो गए। अच्छा, मैं आपको शरह इब्न बत्ताल भी दिखा दूँ, ये शरह इब्न बत्ताल है बुखारी की जुज नंबर 2 छाप मकतबत रुश्द रियाद में, मा आरिफु मिन उम्मत मुहम्मद शैयन, वही हदीस है उसकी शरह, यूरीद शरीयत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यतगयर अम्मा कान अलैहि इल्ला सला फी जमाअ, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सिर्फ इस बात में तगीर नहीं पाई है, चेंज नहीं हुई है कि बस नमाज जमात होती है, बस इतनी शरीयत रह गई, बाकी सब शरीयत का अरकान चेंज कर दिया लोगों ने। अच्छा, ये तो मुख्तलिफ बुखारी के मुख्तलिफ शुरू में इन लोगों ने खुद एतराफ़ कर लिया। तो नमाज में इख्तलाफ क्यों है? क्योंकि हम शिया जो है नमाज अहले बैत अलैहिस्सलाम से लेते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसिया से लेते हैं, तो हमारा उनके तरीक़ेकार के मुताबिक है, और जमात मुखालिफिन खुद उन लोगों से लेते हैं जिन्होंने सहाबा से, जिन्होंने खुद एतराफ़ किया है कि नमाज का तरीका और शरीयत के सब अज्जा इन लोगों ने चेंज किया है सिवाय ये कि नमाज जमात इनका होती है बस, और कुछ भी शरीयत के इनके पास नहीं बची है। ओके मेरे भाई, थैंक यू सर, अल्लाह।